स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। प्रदेश में हम बात करें कोरोना को लेकर मामले क्या हैं, किस तरह के इंतजाम है, लेकिन अगर देश भर की बात करें तो 65% आबादी ग्रामीण भारत की है, उसमें भी 33% की जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब कोरोना काल आने के बाद पहले फेज में तो गांव बचे हुए थे और इसलिए डर भी गांव में नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, ग्रामीणों में नहीं था इस कोरोना को लेकर। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आई और ये महामारी गांव तक फैली, वैसे ही डर और खौफ का माहौल भी गांव में हो गया। जहां जिन गांव में मौतें ज़्यादा हुई हैं वहाँ पर ज़्यादा सहमे हुए लोग हैं, अपने स्तर पर लॉकडाउन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखा जाए। और यही वजह है कि जो पहले झिझक थी वैक्सीन को लेकर, कोरोना महामारी पर बातचीत करने को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, ग्रामीणों के अंदर अब वो झिझक खत्म होती नजर आती है। अब वो चाहते हैं कि इंतजाम गांव में हो, लेकिन क्या हकीकत है प्रदेश के गांव में, राजस्थान के गांव की क्या हकीकत है व्यवस्थाओं को लेकर, कितने दावे यहां पर सही साबित हो रहे हैं, आज पड़ताल इसी की करेंगे। इस वक्त हम दूदू के बुराज गांव में हैं और बुराज गांव का ये सीएचसी हिराची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये इंतजाम जो किए गए हैं वो कोविड के मद्देनजर किए गए हैं ताकि लोग दूरी बनाकर रखें। अलग अलग पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं ये मैसेज देते हुए कि आखिर कैसे दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं ताकि लोग पढ़ सके और यहाँ पर डिस्टेंस बनाकर रखा जा सके, इसलिए ये गोले बनाए गए हैं और इस तरह से बांधा गया। चलिए अंदर जाके देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम है, क्या तस्वीरें हैं कोविड को लेकर। हालांकि वक्त यहाँ पर ज़रूर लिखा हुआ है खुलने का और यहाँ पर खुला भी हुआ है। अंदर देखते हैं सीएचसी के लिहाज से यहाँ पर इंतज़ाम है या नहीं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये बंद करके इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पर ये सभी सेफ रहें, जो लोग यहाँ पर अंदर आएँ या पेशेंट आएँ वो यहाँ पर दूरी बनाकर रखें, शायद ये यहाँ पर कोशिश रही होगी। और इसलिए देख सकते हैं आप जगह जगह मैसेज दिया हुआ, पोस्टर्स ये नज़र आ रहे हैं, स्टाफ यहाँ पर पूरा है। हालांकि कुछ डॉक्टर हैं क्या, वो उधर वैक्सीनेशन हो रहा है अपने, कहाँ पर, सामने कन्या पाठशाला में। अच्छा, वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है 18 साल प्लस वाला, और उधर एसडीएम सर हैं वो अच्छा, मीटिंग ले रहे हैं, डॉक्टर साहब भी उधर रहे। अच्छा, सभी डॉक्टर यहाँ पे। कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर अभी तो फिलहाल 3 हैं, मतलब 3 ही अपॉइंट हैं यहाँ पर। हाँ। अच्छा, और तीनों ही मौजूद हैं क्या आज? तीनों एक तो मीटिंग में है, दोनों एक मैडम और एक सर वहाँ पे आगे बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा, वैक्सीन तो गांव में अभी जो वैक्सीनेशन हो तो रहा है लेकिन 18 प्लस तो हो नहीं रहा है। 18 प्लस आज चालू हो गया। हाँ, सेशन है, कन्या पाठशाला स्कूल है उसमें, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करके वही प्रोसेस है या कुछ? वही प्रोसेस है, स्कूल में कर रहे हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसके लिए तो मैडम जैसे ये फ्रंट लाइन वर्कर है ना, उनके लिए तो है जैसे रजिस्टर में एंट्री करके उसके बाद में। अच्छा। और 18 प्लस वालों का आज से स्टार्ट। लेकिन अगर कोई गांव वाले जिनका फोन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो उनका कैसे कर रहे हैं आप लोग? उनका परिवार वालों का किसी का भी कोई मोबाइल नंबर लेके आधार नंबर से कर रहे हैं यहाँ पर, ये व्यवस्था है यानी किया है। और गांव में आज से शुरू हो चुका, आज से 18 प्लस शुरू है ना? ठीक है, तो आज से 18 प्लस यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि अच्छी बात है क्योंकि 18 प्लस अभी तक किसी गांव में शुरुआत नहीं हुई है वैक्सीनेशन की, लेकिन बुराज में ये तस्वीरें नजर आई, जैसा कि इनका कहना भी है कि आज से शुरुआत हो चुकी है 18 प्लस वैक्सीनेशन की, और इसलिए डॉक्टर भी वहाँ पर गए हुए हैं। अच्छा, कोविड को लेकर क्या मेडिसिन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है? हाँ जी, सारी अवेलेबल, सब इंजेक्शन और सब जितनी दवाइयाँ। इंजेक्शन तो नहीं है यहाँ पर, इंजेक्शन नहीं है, बाकी मेडिसिन जो वगैरह नहीं है, जो किट है ना उसके हिसाब से मेडिसिन है। अच्छा ठीक है, उस हिसाब से देते हैं। आइसोलेशन के लिए भी लोगों को घर में ही आइसोलेट करते हैं? घर में आइसोलेट करते हैं और घर पे ही दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं, आशा सेवकियों के थ्रू और एनएम के थ्रू। यहाँ पर टीम बना कर जो अपने बीएलओ होते हैं ना उनकी टीम बना रखी है और आशा सेवकियों की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कहाँ पर है? डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र आप हैं। डॉक्टर यहाँ पर जरा मुझे आंकड़े बता दीजिए कि कोविड को लेकर कितने केसेस सामने आए अभी के? हाँ, अभी टोटल अब तक 2 महीने के बाद। देखिए, ये तो आशा सुपरवाइजर है क्या आपने? मीना जी, मैं बुला देता हूँ, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो आपको बता दें। अच्छा, कैसे? और किसी तरह की कोई डेथ कोविड को लेकर या? पहले रिपोर्ट थी, अभी 2 दिन पहले 6 डेथ रिपोर्ट की गई हमारे यहाँ, बाकी जो अभी के करंट डाटा जो है आपको वो बता दें। अभी के मामले कम हुए हैं? काफ़ी कम हुए, पहले तो क्या होता है कि रोज हर घर में 2-2, 3-3 निकल रहे थे, अब बिल्कुल कम है। और सैंपलिंग अभी पिछली बार हमारी थी 47 थी, उनमें नील था, एक भी जो है पॉजिटिव नहीं आया जो पिछले वेडनेसडे को। लेकिन एक बात बताइए ना सर, गांव में टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी शिकायत है कि टेस्टिंग हो नहीं रही है और इसलिए लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, आंकड़े आ नहीं रहे। बुराज में क्या है? उसमें ऐसा है, गवर्नमेंट ने हमारे एक शेड्यूल तय कर रखा है कि जैसे वेडनेसडे को यहाँ होती है, ट्यूजडे को कहीं और होती है, हर जगह अलग उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है
तो हमारे यहाँ वीक में एक बार होती है, उस समय जो भी आता है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। क्या ये लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि इस दिन सबको मालूम है, ये हम लोग बता भी रहे हैं, हमारी एनएमसी भी बता रही है, जहाँ ILI के पेशेंट मिल रहे हैं हमें लग रहा है सस्पेक्टेड है, उन्हें हम लोग वेडनेसडे को यहाँ बुलाते हैं। यहाँ भी हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको भी हम बताते हैं कि आप नेक्स्ट वेडनेसडे को आकर के यहाँ पर आप चेक करें। कोविड को लेकर कैसे एहतियात बरतना है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या यहाँ के लोग जागरूक हैं? बिल्कुल हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, गाँव वाले हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, जो हमारी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका सहयोग है, जो टीचर्स हैं वो हर जगह जा कर के उनको सबको बता रहे हैं कि किस तरीके से रहना है। इसी क्रम में हम लोगों ने वैक्सीनेशन जो है एक स्कूल के अंदर हमने एक स्कूल लिया है, वहाँ वैक्सीन यहाँ पर आई है। कल हमारे पास 30 थी, तो एक हमने कल सेशन किया आउटरीच का, आज हमारे 4 जगह आउटरीच के सेशन है, 2-2 घंटे के लिए अलग अलग जगह जाएंगे, जो BLOs ने हमारे को सूची दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर करेंगे, टीम हमारी वहाँ जाएगी, वहाँ जाकर के वैक्सीन लगाई जाए, 18+ की वैक्सीन है, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ। हालांकि अभी तक जितने गाँव में हम गए हैं यहीं फर्स्ट टाइम है कि 18+ लग रहा है, वरना लोग इंतजार ही कर रहे हैं। जी यही है हालत, सब जगह यही है, हमारे आगे से जो सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं, 18+ का फर्स्ट टाइम आया है और कल एक सेशन हमने वहाँ पे किया है। चलिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, बगल में ही स्कूल है वहाँ पर कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। सुरक्षा के लिए ऐसे इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है, हालांकि पहले स्थिति कुछ और थी लेकिन अब स्थिति में सुधार बोराज गांव में नजर आता है, जिस तरह से ये अपने स्तर पर कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं आ रही थी इसलिए अब तक शुरुआत नहीं हुई थी, इनका कहना है कि अब वैक्सीन आई है और जैसे ही सामने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो लिस्ट आती है उस अकॉर्डिंग ये वैक्सीनेशन यहाँ पर करते हैं और इसकी भी शुरुआत 18+ की आज से यहाँ पर हो चुकी है। राजगांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये स्कूल है और यहाँ पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ का, जिसकी शुरुआत ही आज से हो रही है, इससे पहले 18+ की शुरुआत नहीं थी। हालांकि इससे पहले व्यवस्थाएं क्या थी, क्या भी इंतजाम है उसको लेकर चलिए बातचीत करते हैं। काका हमारे साथ हैं, काका जरा बताइए यहाँ पर स्थिति अभी कैसी, कोविड को लेकर कितनी मौतें अब तक हो चुकी हैं? जो अब तक यहाँ 35 से 40 मौतें हो चुकी है, लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्डेड जो बात बताई थी डॉक्टर ने वो 5-6 इन्होंने रिकॉर्ड में ले रखी है, जबकि यह भयंकर स्थिति ऐसी आ गई थी कि 5-5, 6-6 लोग रोजाना डेथ होने लग गई थी। और यहाँ व्यवस्थाओं के जांच के नाम पे भी केवल सप्ते में एक दिन फॉर्मेलिटी की जाती है, उसमें भी कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो, जांच में भी क्राइटेरिया ढूंढते हैं यहाँ पे, और वैक्सीन के नाम पे तो जब भी आओ जब यही उत्तर मिलता है कि अभी वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ सरकार की तरफ से या यहाँ के जो डॉक्टर्स की तरफ से तो यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि इतनी मौतें होने के कारण कि ग्राम पंचायत ने बैठ करके जो प्रबुद्ध नागरिक जन थे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन किया और वो 31 तारीख तक यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन जारी रख रखा है कि कोई भी आवाजाही नहीं, केवल हॉस्पिटल के अलावा जो भी वैक्सीन के लिए जाओ या जांच के लिए जानकारी करना हो, दवाई लेना हो, तो दवाइयों के नाम पे, जांच के नाम पे, और यहाँ तो जो वैक्सीन भी है बहुत कम लगाई जा रही है। लेकिन काका अभी हमने ना CHC का दौरा किया, वहाँ गए, 3 डॉक्टर हैं वहाँ पर, पूरी व्यवस्थाएँ हैं और सब लोगों को भी पता है कि कब कहाँ जाँच होती है, उन लोगों ने इतना जागरूक कर रखा है, यानी वो सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये डॉक्टर से जब हम भी बात करते हैं भाई आप जाँच क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि मैं क्या घर बुलाने जाऊँ, क्या आएंगे उनकी कर दूंगा, और जो आते हैं उनको बेचारे बोले डाले लोग आते हैं तो अभी आपका क्राइटेरिया नहीं है। ये कौन सा है? ये समझ में नहीं आता कोरोना में कौन सा क्राइटेरिया। पूछा नहीं कि जांच का क्राइटेरिया होता क्या है? हाँ मैंने पूछा कि नहीं नहीं ये तो लोग झूठ बोलते हैं, मतलब डॉक्टर इतना झूठ बोलते हैं यहाँ, केवल देखा देखी में प्राइवेट क्लिनिक चला रखी है, वहाँ पे जाओ दवाई दे देंगे, सरकारी यहाँ का इनके पास कोई दवाई नहीं। तो फिर ये जो 3-3 डॉक्टर नाम के लिए बैठे हुए हैं, ये इतना स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ, ये कह रहे हैं कि हम फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, ये सब नहीं मैडम, ये बिल्कुल सरासर जनता के साथ विश्वासघात है और कोरोना जैसी महामारी में ये लोग झूठ बोल रहे हैं सरासर। अच्छा अभी क्या व्यवस्थाएं ठीक हुई या अभी भी हालात वैसे ही हैं? नहीं अभी जो यहाँ के जनता द्वारा जो जागरूकता या ग्राम पंचायत द्वारा जो जागरूकता आई उसके बाद में जो संपूर्ण लॉकडाउन किया उसके बाद में कुछ सुधार है और यहाँ के लोग यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ भी मैंने ऑक्सीजन की कही तो कही एक सिलेंडर है छोटा सी, तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ 30 बेड रिकॉर्ड में ले रखे हैं, जबकि बेड आपने देखे होंगे अभी 4-5 बेड लगा रखे हैं और वो भी नाम मात्र के भर्ती एक को नहीं करते हैं। तो जब यहाँ कोई जाता है तो क्या करते हैं, कहाँ भेजते हैं? ये यहाँ से सीधा जयपुर रेफर कर दी जाइए, आप आपकी सीरियस है जयपुर जाइए। तो सब तो सीरियस नहीं होते, कई तो होते ना कि थोड़ा इतनी भी तबीयत नहीं है कि घर पे रहे और इतना भी नहीं है कि हमें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर। कोरोना में इतने इनका भय है कि कोरोना में हमें कहीं ना कहीं जयपुर में जाकर के अलग थलग डाल देंगे, इसीलिए तो ये इतनी मौतें हुई है। मतलब ये वास्तव में इनको सबको मालूम है डॉक्टर्स को
कि ये कोरोना से मरे हैं सारे इतने जवान जवान मोते मरी है, लेकिन ये जयपुर का नाम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं देके जयपुर के लिए कहते हैं, जयपुर के लिए लोग गाँव के लोग अब भी डरते हैं, ये है उनको मोटिवेशन। एक दिमाग में ये भी गांव वालों का है जो हमने बातचीत की, उनका कहना ये कि घर पे तो हम बचे रहेंगे, अगर हम अस्पताल गए तो हम फिर जिंदा बच के नहीं आएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी डर है, ये भय इनको है कि ये इनका मोटिवेशन या इनको समझाने की जो इनकी होनी चाहिए शैली डॉक्टर्स की या इनके स्टाफ की, वो वास्तव में ईमानदारी से नहीं है, नहीं तो इतने लोग जाने नहीं जाती। और फिर भी लोग अब तो इतने समझे कि जैसे ही ये ज़्यादा मौतें होने लगी, पाँच पाँच छः छः रोज लोग जाने लग गए, तो नेचुरल वो जा कर के दवाइयाँ लेकर के काफ़ी लोग हैं। अब भी जांचें कितनी हो रही है, किसी बुधवार का नाम से इनको सप्ते में एक बार करते हैं, तो कभी बुधवार को करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो अच्छा, सर्वे नहीं हो रहा तो लोग खुद से तो जाएंगे नहीं, जैसे ये बोले कि लोग आ नहीं रहे तो हम कैसे कर लें, तो जब सर्वे नहीं है कहाँ पर कैसे रोगी हैं क्या लक्षण है तो कोई देखने वाला नहीं, और इतनी मौतें होने के बाद चलिए ग्रामीण जागे और अपने स्तर पर आप लोगों ने लॉकडाउन किया सब कुछ किया, लेकिन क्या स्वास्थ्य महकमे ने कुछ किया? नहीं, स्वास्थ्य महकमे के हिसाब से तो अब तक बहुत मामला खराब हो चुका होता मैडम, ये वास्तविकता है। ये तो फिर भी हमारी ग्राम पंचायत के, मैं तो जनप्रतिनिधि वार्ड पंच सरपंच जो है ना, उन्होंने और प्रबुद्ध नागरिक जनों को बुला करके जो समझदारी दिखाई ना, एक महीने संपूर्ण लॉकडाउन रखा है यहाँ, उसके बाद में ये स्थिति कवर में आई है। और ये जो इतने मौतें हुई है तो लोग जयपुर बगरू जैसे भी जाकर के दवाइयाँ लेकर के आते हैं, अभी स्थिति तो आउटडोर बहुत कम है, अभी स्थितियाँ अभी मौतें तो कम हो रही है मैडम, और लॉकडाउन जो है यहाँ की जागरूकता अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अब तक की बात करें तो कुल कितने आंकड़े अब तक मैं नेबर में ये 35 से 40 लोग तो कोरोना से मरे हैं यहाँ मैडम। तो सुना आपने ये स्थिति, अब इससे पहले सीएचसी में तस्वीरें जो नजर आई किस तरह से उन लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो ये अभी जो स्थिति ठीक हुई है वो ग्रामीणों की वजह से हुई है, इन लोगों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन किया, लेकिन व्यवस्थाएं क्या थी आपने भी सुना कि पहले और अब में भी कितना ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जो फर्क आया वो इनकी वजह से आया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग यानी सीएचसी में नाम के लिए लोग इतने बैठे हुए, इतने डॉक्टर हो स्टाफ हो, लेकिन जो जरूरी काम है या जो कोविड को लेकर इंतजाम होने चाहिए या इलाज होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलता, और यहाँ से सीधे रेफर कर देते हैं कि आप जयपुर जाइए। बोराज के सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र जी, आज से वैक्सीनेशन यहां पर कह रहे हैं शुरू हुआ, 18 प्लस है या फिर सबके लिए? फ्रंटलाइन वर्कर्स वाले जिन्होंने स्लॉट अलॉट करवाया था उनके लिए आज से चालू करवा दिया है, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन? जी जी जी। और बाकियों के लिए कैसे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए बना कर दिया है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो आ रहे हैं, और जो अब जिनकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है वैसे बिना रजिस्ट्रेशन भी आप करो। आज कितनी वॉल यहाँ पर आई है, कितने लोगों को लग सकता है? 15 वॉल आई है, 150 लोगों को लग सकता है। जी तो अच्छा, तो यहाँ पर लोग इसलिए इतना भीड़ और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? ये लोगों में उत्साह वैक्सीन के प्रति। अच्छा, वैक्सीन के प्रति। जी जी। इससे पहले 45 प्लस तो लगे ही होंगे? 45 जरूर रेगुलर लग रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल कोई कमी तो नहीं है वैक्सीन की अब तक? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा ठीक है, व्यवस्थाएं आप कैसी है, क्योंकि अब तक तो हालत खराब थे यहाँ पर? लोगों की जागरूकता के कारण व्यवस्थाएं सुधरी है, पहले हमारे सीएससी के अंदर वैक्सीन लग रही थी, सीएससी के अंदर बिल्डिंग के अभाव में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने फिर इसको कन्या पाठशल स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनवाया लोगों की सुविधा के लिए, तो अब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोग जागरूक है वैक्सीन को लेकर, खुद आ रहे हैं अब, क्योंकि अब तो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत नहीं होगी, सीधे यहाँ पहुँच के लग सकते? पहले ग्राम पंचायत प्रशासन को काफी दिक्कत आई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, माइक सेट के द्वारा जगह जगह लोगों को हाथ जोड़ के काफी मशक्कत करनी पड़ती है, अब लोग जागरूक हो गए वैक्सीन के प्रति। अच्छा ठीक है, अब वैक्सीन। तो देखिए, वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हैं, इन्होंने कहा 15 वॉल आई है, यानी कि करीब 150 लोगों को आज वैक्सीन यहाँ पर लगेगी, और यही वजह कि यहाँ पर इतनी भीड़ और इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं। 18 प्लस की शुरुआत आज से हो रही है, फ्रंटलाइन वर्कर और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, यानी कि 150 लोगों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन एक अच्छी बात कह सकते हैं कि शुरुआत वैक्सीनेशन को लेकर 18 प्लस को लेकर यहाँ पर हो चुकी है, और उसी की तस्वीरें ये आप देख भी सकते हैं। हालांकि बार बार कोशिश की जा रही है इन लोगों को कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ये, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, बार बार टोकने पर जरूर ये पीछे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस ऐसे ही खड़े हो जा रहे हैं लोग, लेकिन वैक्सीनेशन का उत्साह भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत इन लोगों को यहाँ पर ज़रूर है। तो देखिए, इंतजामों की बात तो कही जाती है, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों को लेकर भी नजर आती है कि जब वोट लेना होता है, जब चुनाव होते हैं, तब बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन आज इस महामारी के दौर में जब ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी है, सबसे ज़्यादा उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं की है, इंतजामों की है, वो इन्हें नजर नहीं आता है। तस्वीरें कुछ और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो लगातार तस्वीरें कहें तो हकीकत हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब बात होती है या जब बड़े नेताओं की हम बातें सुनते हैं या विधायकों के दावे सुनते हैं तो उससे नजर आता है कि सब कुछ गांव के स्तर पर ठीक ठाक है, हर जगह पूरी व्यवस्था है, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा है? क्या छोटे गांव पर नजर है? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र यहां पर जो व्यवस्थाओं की बात की जाती है, कोविड को लेकर जो इंतजामों की बात की जाती है, क्या वो सही में है या फिर सिर्फ दावों और वादों में ही यह नजर आता है? चलिए ये हकीकत भी जानते हैं। इस वक्त हम दूदू के ही ढाणी बुराज गांव में मौजूद है और ये ढाणी बुराज का उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि इसमें ताला लगा हुआ है, ये इसकी हालत देख सकते हैं, जर्जर हालत है और इसलिए यहाँ पर एक नया निर्माण भी जारी है। ये भी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ही आएगा और इसके लिए यहाँ पर निर्माण चल भी रहा है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पर जब लोगों से बातचीत हुई उनका कहना यह है कि जो यहाँ पर ANM है वो यहीं रहती हैं, यहीं पर 5 दिन अपनी सेवाएं देती हैं और उसके बाद वो क्योंकि वो बाहर की हैं तो शुक्रवार को चली जाती हैं, सोमवार को आती हैं और महीने में एक बार, आज वो किसी दौरे पर गई हुई हैं गांव में। इधर ये देख सकते हैं आप, उप स्वास्थ्य केंद्र का ही पार्ट है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पर हालांकि फिलहाल ये सीमेंट के कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, शायद निर्माण कार्य चल रहा है इस वजह से हो गए, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं लोग इलाज कराने के लिए, हालांकि इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर इलाज के लिए आते भी होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएँ क्या होंगी। 5,500 के करीब आबादी ढाणी बुराज गाँव की है और ऐसे में आसपास के भी गाँव हैं जहाँ पर भी इलाज के लिए लोग जाते हैं कुछ दूरी पर, यानी कि शहर का रुख करते हैं जहाँ पर इंतज़ाम हो। हालांकि कोरोना को लेकर ज़रूर इंतज़ामों की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहाँ निर्माण कार्य जारी है और कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं इसका जी? ये कब से निर्माण चल रहा है जी? मैम अभी 1-1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने हो गए, तो इस दौरान कोविड को लेकर इंतज़ाम कुछ गाँव में है क्या? कैसे इलाज कराते हैं लोग? और मैम बता सकते हैं? अच्छा, वो तो अभी है नहीं। ठीक है, ये आती है मैडम यहाँ पर रोज? रोज आती है साहब, यहीं रहती है रोज। या हाँ। यहीं रहती है रोज। तो घर कब जाती है वो? घर तो जाती है और शनिवार को जाती है महीने से। अच्छा। और सोमवार को। आप महीने में एक बार या हर हफ्ते? एक बार महीने में एक बार जाती है। और इसके अलावा आपने कहा कि अभी वो कहीं दौरे पर गई हुई है? गई हुई है, गाँव में गई हुई है सुबह से। तो वो अकेले है जो संभाल रही है? हाँ अकेली है वो साहब। अच्छा, हाँ वो संभाल रही है वो। तो देखिए अकेले ANM में, हालांकि कई गांव में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आबादी ज़्यादा हो और उसमें एक ANM हो, और इसलिए बार बार कहा जाता है कि कम से कम डॉक्टर की नियुक्ति हो, कम से कम राउंड पर आए, हफ्ते में एक दिन ही आए, लेकिन कम से कम व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक रहें। ये कोशिश हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे कि यहाँ की तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, जर्जर हालत थी, निर्माण कार्य जारी है, लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि कोविड को लेकर आखिर इंतज़ाम यहाँ पर क्या किए जाते हैं, और इसी का इंतज़ार गांव के लोग भी ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं, शायद ये ANM ही है जिनसे बात करने की कोशिश। आप ANM है यहाँ पर? नहीं मैडम, मैं तो आशा सहयोगिनी हूँ। आप आशा सहयोगिनी हैं, यहाँ पर आप ही बैठती हैं? हाँ मैं बैठती हूँ। अच्छा आप ही बैठती हैं? हाँ। तो आप अकेले ही पूरा ये गाँव के लोगों का देख रही हैं या कोई और भी आता है? कभी राउंड पे आते हैं डॉक्टर या ANM या कोई? आते हैं मैडम। आते हैं? कितने दिन आते हैं? आते हैं, अभी गए गुरुवार को ही आए थे। गुरुवार को? आप यहाँ नहीं रहती हैं क्या? नहीं मैं तो फील्ड में सर्वे भी करती हूँ। नहीं नहीं फील्ड में नहीं, आपका घर कहीं और है? यही है पास में। अच्छा पास में ही है, तो ये तो कह रहे थे कि आप 5 दिन यहीं पे रहती हैं और इसके बाद जाती हैं वो 3 दिन के लिए? नहीं ऐसे तो जाते हैं, काम करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं सर्वे। अच्छा बाकी तो ठीक है। कोविड को लेकर क्या इंतजाम है? कोरोना को लेकर कुछ है या कहीं और इंतजाम किए गए? यहाँ स्कूल में। स्कूल में? नहीं अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको दवाई, उसकी टेस्टिंग, उसके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? ये ढाणी बुराज ANM देती है हमारे। ANM देती है? अच्छा, तो यानी ANM देती हैं, आप आशा सहयोगिनी हैं जो इनके साथ यहाँ पे काम करते हैं? साथ काम करते हैं और ANM हमारे को देती है तो हम फील्ड में देते हैं। फील्ड में देते हैं? फील्ड में आप लोग सर्वे भी करते हैं क्योंकि कहाँ पर ऐसे लोग हैं? सर्वे सर्वे हो रहा है मैडम। चलिए आशा सहयोगिनी जिनका कहना है कि सर्वे भी करती हैं, अभी भी वो फील्ड से लौट ही रही है, हमारी बात करते करते अब तक वो आ गई, तो उन्होंने भी ये कहा कि ANM रहती हैं, अभी ANM नहीं है लेकिन इन्होंने पूरा संभाल के रखा है। मीटिंग में गई हुई है मैडम? मीटिंग में गई हुई है। अच्छा ANM मीटिंग में गई हुई है जैसा कि इनका कहना है। हालांकि ठीक है, व्यवस्थाओं को देखा जाए तो जिस तरह की जर्जर हालत है नजर आता नहीं है कि रोजाना होती होगी, सीमेंट के कट्टे वहां पर रखे हुए हैं, रोज यहाँ पर आते होंगे लोग इतना तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन इनका कहना है कि जरूर यहाँ पर इलाज भी होता है कोविड को लेकर, लेकिन व्यवस्थाएं जिस तरह की तस्वीरें नजर आती उससे तो यही कह सकते हैं कि जब गांव के लोग बताएंगे या गांव के लोग जैसा कह रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन ये अमूमन हर गांव की हालत हो रखी है। हर गांव में इसी तरह की चीज़ें, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, नाम के लिए है, कहीं पर बहुत जर्जर हालत है, कहीं पर बहुत अच्छी स्थिति में उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पर ANM नहीं बैठती है, कहीं पर ANM है तो आशा सहयोगिनी ने पूरा काम संभाल रखा है। तो ये ढाणी बुराज गाँव की स्थिति है। हालांकि कोविड को लेकर गाँव के लोग ये बार बार ज़रूर कहते हैं कि टेस्टिंग नहीं होती, सैम्पलिंग नहीं होती है, बेसिक दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं और इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं शहर का रुख यहाँ पर करना पड़ता है। तो ग्राम पंचायत ढाणी बुराज के सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भैरू जी।
सबसे अहम तो ये कि कोविड को लेकर गांव-गांव में हम व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी नजर नहीं आती। क्या ढाणी बुराज में भी ये जरूरतें हैं जिसे महसूस कर रहे हैं लोग? जी, गांव में संक्रमण अब की बार फैला है, लेकिन बहुत कम फैला है। हमारे पूरे गांव में 5 पॉजिटिव पेशेंट आए थे और करीबन 18-19 में लक्षण नजर आए थे, तो वो पॉजिटिव वाले 4 नेगेटिव हो गए। अब एक पॉजिटिव बचा है, उसकी भी स्थिति सामान्य है, और जो 18-19 लक्षण वाले आए थे उनकी भी स्थिति सामान्य है। दूसरा, स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बना रखा है 2 कमरों में, और सैनिटाइजर करवा दिया है गांव में एक बार ट्रैक्टर के द्वारा, और भी आवश्यकता पड़ेगी तो और करवा देंगे। लेकिन यहाँ आपका जो उपस्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत भी जर्जर दिखती है। अभी तो खैर ANM नहीं थी, लेकिन क्या यहाँ पर कोविड को लेकर इंतजाम है या कहीं बाहर जाना पड़ता है? कोविड को लेकर के तो यहाँ हमारे एक रिटायर्ड बंसी जी जांगीड हैं, रिटायर्ड आर्मी से वो चिकित्सा कर्मी थे, रिटायर्ड हैं, और एक हमारे गवर्नमेंट का कंपाउंडर है राजकुमार जी पीपड़ोदा, और एक मेडिकल की दुकान भी है हमारे गांव में, तो सुबह शाम वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था है? ये तो सरकारी स्तर पर ANM रहती है, और जिनमें लक्षण नजर आए उनको वो किट दिया जाता है, कोरोना के लिए जो रोकथाम के लिए किट है वो किट की व्यवस्था करवाई जाती है जिनमें लक्षण नजर आते हैं। और टेस्टिंग को लेकर क्या है, क्योंकि गांव में टेस्टिंग हो ही नहीं रही है? सिर्फ इस गांव की नहीं, ज्यादातर गांव। हाँ, टेस्टिंग को हमारे 7-8 किलोमीटर जोबनेर है और फुलेरा है 10-12 किलोमीटर, तो वो टेस्टिंग के डे फिक्स है, तो जिस दिन जहाँ टेस्टिंग होती है वहाँ लोग बाग जाकर के टेस्टिंग करवा लेते हैं। लेकिन लक्षण आते हैं, लोग जाने से कतराते भी हैं, क्या ये भी बात सही है? हाँ, कुछ लोगों में ऐसा डर है कि पता नहीं अपने कोई पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारे को एडमिट करवा देंगे और वहाँ कोई और दिक्कत आ जाएगी, तो लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसा है। बाकी लोग बाग समझने लग गए कि आइसोलेट भी करते हैं तो घर पर ही करते हैं, और अगर बीमारी है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ही, तो ऐसा अब नहीं है, ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में है, 1-2% लोग। वैक्सीन को लेकर क्या है, वैक्सीनेशन कितने लोगों को हो चुका है? वैक्सीन हमारे गांव में एक बार कैंप लग चुका 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 16 अप्रैल को, तो उसमें 45-60 की आयु के लोगों को, 45 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन, एक पहली वैक्सीन लग चुकी। कुछ लोग रहे तो वो जोबनेर या फुलेरा जाकर के करीब पहली वैक्सीन 45-60 के लोगों को लग चुकी। मई में लगी है कोई कैंप लगा क्या? नहीं, मई में कैंप नहीं लगा। नहीं लगा, नहीं लगा। तो अभी सेकेंड डोज के लिए क्या है, या फिर जिनको नहीं लग पाई उस समय उनके लिए क्या व्यवस्था है? जिनको नहीं लग पाई उनको तो जैसे जोबनेर फुलेरा वो जाकर के लगवा सकते हैं, लेकिन 18-45 वालों के लिए जो इतने दिन तो रजिस्ट्रेशन का था, अभी शायद सरकार ने कल परसों रजिस्ट्रेशन का हटा दिया गया है, अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता कम है, तो हमें सबको पता है कि वैक्सीन तो अच्छा, इसलिए अभी 18+ अभी शुरू नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, अभी 18 का नहीं हुआ अभी तक, बस 45 और 45 45 ऊपर गए हुआ। हाँ जी, सबके लिए। चलिए ठीक है, ये आपने सुना कि सरपंच ने यहाँ की स्थिति को बताया कि आखिर क्या है। मामले ज़्यादा नहीं आए हैं, शुरुआती तौर में आए जो मामले, इसके बाद पॉजिटिव हुए, नेगेटिव होके ठीक हो गए, अभी मौजूदा स्थिति में 1 एक्टिव केस यहाँ पर है। मौतें यहाँ पर हुई नहीं है कोविड से अभी, लेकिन सबको वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि आसपास, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है फुलेरा या जोबनेर, और इसलिए जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन गाँव में उस लिहाज से जो कोविड के हिसाब से जो दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, सरकारी स्तर पर नहीं है। हाँ, अपने लेवल पर यहाँ पर ज़रूर व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश इन लोगों के माध्यम से की जा रही है। तो प्रदेश के गांव की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कोरोना को लेकर गांव के हाल क्या है, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कही जाती है, सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन हकीकत में क्या है वो आपने इन तस्वीरों में देखा, फिर चाहे ढींडा गांव हो, बुराज हो या फिर आसलपुर हो। और आप ही अंदाजा लगाइए कि व्यवस्थाएं क्या हद तक ठीक हुई है, जिस लेवल तक होनी चाहिए। कहीं पर व्यवस्था पहले से और ज्यादा बदतर थी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे कई गांव हैं और ये तस्वीरें यहां पर नजर भी आती हैं। हालांकि देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या व्यवस्थाएं ठीक की जाती, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम टेस्टिंग सैंपलिंग की व्यवस्था यहां पर कर दी जाए, अगर किसी को कोविड हुआ है तो वहां पर दवाइयां इन्हें मिल सके, ये उम्मीद की जाती है। और इससे भी ज्यादा कि छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, बने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्था के नाम पर, दवाइयों के नाम पर या ANM या डॉक्टर के नाम पर कोई नहीं है। तो क्या इन व्यवस्थाओं को वक्त रहते ठीक किया जाएगा? अगर नहीं किया जाता है तो वो दिन भी दूर नहीं जब आंकड़े कम नहीं, गांव में आंकड़े ज्यादा ही होंगे, मौतें ज्यादा ही होंगी, और इसका जिम्मेदार जो होगा उसे अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम गाँव की हकीकत लेकर।